नमस्कार, पत्रिका मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपजैन। सागर की खबरों की शुरुआत के पहले देखते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। होशंगाबाद में हुआ नदी उत्सव का शुभारंभ, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। होशंगाबाद में हुई खिचड़ी कांड को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सागर में नगर पालिका सम्मेलन में भिड़े पार्षद, हंगामे के बाद बैठक हुई समाप्त। शराब व्यापारी की मौत का मामला, गृह मंत्री के आदेश के बाद आरक्षक को किया निलंबित। आइए खबरें देखते हैं जरा विस्तार से। जहां होशंगाबाद में नदी महोत्सव का शुभारंभ हुआ, इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्री रहे शामिल। सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने पर मंथन हुआ शुरू। वहीं इस दौरान होशंगाबाद में नदी उत्सव का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। दो दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव के पहले दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नदियों के बिगड़ते हालात पर चिंता जताई और महोत्सव में नदी के किनारे की संस्कृति एवं समाज, नदी से कृषि एवं आजीविका का संबंध और उसके अस्तित्व एवं जैव विविधता पर चर्चा की जाएगी। आयोजन में सांसद उदय प्रताप सिंह, विधायक सहित कई लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि नर्मदा की सहायक नदियों के विलुप्त होने और सूख चुकी नदियों को पुनर्जीवित के साथ संरक्षक नदी और नर्मदा नदी के वंद्रा भान संगम घाट पर पंचम नदी महोत्सव में मंथन शुरू किया गया है। वही खबर होशंगाबाद से, जहां खिचड़ी कांड पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधीगिरी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने एसडीएम कार्यालय, फूड अधिकारी कार्यालय और एसडीओपी कार्यालय के बाहर फूल के गुलदस्ते रखे। साथ ही व्यापारी संघ के लिए गांधी चौक मंच और शहरवासियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई मंच पर गुलदस्ते रखकर विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि खिचड़ी कांड को एक महीना हो गया है और अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बात करें सागर की, तो सागर में नगर पालिका मकरोनिया परिषद के साधारण सम्मेलन में कुछ मुद्दों को लेकर पार्षद आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए। मुख्य रूप से 28 साल में नगर पालिका क्षेत्र में पार्षदों द्वारा बताए गए काम न होने और क्षेत्र के काम में अपने हिसाब से अधिकारियों द्वारा संशोधित करने और बाजार बैचकी के ठेके को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बाजार बैचकी के ठेके पर तो कांग्रेस और भाजपा के पार्षद में जमकर झड़प हुई। करीब 10 से 15 मिनट तक एक दूसरे से बहस और झड़प चली, जिसके बाद भाजपा पार्षद की सहमति के बाद बाजार बैच की ठेके पर ना देने की सहमति बन गई। इस बात से नाराज कांग्रेस पार्षद बैठक छोड़कर बाहर चले गए। इस बीच हंगामा होते देख नगर पालिका अध्यक्ष भी कुर्सी से उठी और आधे में ही बैठक समाप्त होने की घोषणा कर दी। खबर सागर के राहतगढ़ से, जहां सराफा व्यापारी मनोज सोनी की पुलिस थाने में मौत के मामले में गृह मंत्री के आदेश पर प्रधान आरक्षक रामचंद्र अहरवार, एक आरक्षक राजा रजक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि नाइट ऑफिसर गीता जाटव के साथ ही थाना प्रभारी अनिल सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद मनोज सोनी का शव लेने से परिजनों के इनकार के बाद मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे। गृह मंत्री द्वारा न्यायिक जांच के आश्वासन और सबके साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने के बाद परिजन मनोज सोनी का शव लेने तैयार हो गए। आपको बता दें कि मनोज सोनी शराब के नशे में रुपए और मोबाइल छीनने की शिकायत लेकर राहतगढ़ थाने पहुंचे थे, जहां पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। अगले दिन सुबह पुलिस ने सोनी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान देखते हुए पुलिस कर्मियों पर मनोज सोनी की हत्या का आरोप लगाया था।
वहीं खबर सागर से जहां खेल परिसर मैदान में अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरने पर बैठ गई हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नीतियों का विरोध किया, साथ ही आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि और पीएफ को लेकर अपनी आवाज उठाई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही दमोह में दो सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हैं। शहर के जिला अस्पताल स्थित पार्क में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 16 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी दो सूत्रीय मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वह किसी भी कीमत पर अपनी हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। साथ ही संविदा कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का समर्थन करें और नियमित रूप से काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी पहुंचे और अपना समर्थन भी दिया। खबर सागर से जहां बस स्टैंड दीनदयाल नगर चौराहे पर बनी पाइपलाइन फूट गई थी जिसका लीकेज ठीक करा दिया गया है। इसके बावजूद भी पानी पाइपलाइन से बह रहा है जिसके कारण पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन को पिछले एक साल में करीब दर्जनों बार सुधारा जा चुका है, फिर भी स्थिति दस की तस बनी हुई है और कोई भी अधिकारी इसका निराकरण करने की बजाय दूर भागता नजर आ रहा है। वहीं खबर टीकमगढ़ से जहां श्री राम नवमी की तैयारियों को लेकर नगर में निकल रही शोभा यात्रा से नगर का वातावरण धर्ममय होता जा रहा है। सुबह से ही निकल रही प्रभात फेरी में गूंज रहे श्री राम के जयकारों से लोगों की सुबह हो रही है। साथ ही श्री राम जन्मोत्सव परिवार के सदस्य आमंत्रित लेकर लोगों के घरों में जा रहे हैं। राम भक्तों को जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। साथ ही गुरुवार को श्री राम जन्मोत्सव परिवार द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी वैशाली नगर भटनागर कॉलोनी पहुंची, जहाँ पर राम भक्तों ने घर घर जाकर लोगों को आमंत्रण पत्र और ध्वज प्रदान किए। साथ ही लोगों से श्री राम नवमी के आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया। बता दें सुबह 6:30 बजे स्थानीय नजरबाग मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुई थी। साथ ही 40 सदस्यों की यह टोली शोभा यात्रा का आकर्षण रही। सागर के डिग्री कॉलेज चौराहा स्थित राष्ट्रीय शहरी आजीविका केंद्र में महापौर अभय दरे ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कई अनियमितताओं पर अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। इसके साथ ही कंप्यूटरों को कमी को चलते दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशिक्षण केंद्र को देखकर महापौर ने समीक्षा बैठक कर कार्यवाही के निर्देश जारी किए। स्थानीय सरदार सिंह बीएड कॉलेज में आगामी 5 से 11 अप्रैल तक श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस आयोजन में बड़ी संख्या में संत समाज के आने की उम्मीद है। व्यवस्थाओं के लिए कई समितियों का गठन किया गया है। साथ ही आयोजन के दौरान सामाजिक संगठनों का भी सहयोग प्रदान होगा। कार्यक्रम अयोध्या धाम के संत पागल बाबा के सानिध्य में संपन्न होगा। साथ ही बीएड कॉलेज में कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ कार्यक्रम के आयोजक पूर्व मंत्री यागवेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। आयोजन समिति की ओर से पूर्व मंत्री यागवेंद्र सिंह ने बताया कि यह पूरी तरह से धार्मिक आयोजन है, न इसमें कोई राजनीतिक दखल हो रहा है। साथ ही इसमें सभी संगठनों सामाजिक संगठनों से सहयोग मांगा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बुंदेलखंड में व्याप्त सूखा और अल्प वर्षा ओलावृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदाओं से किसान और सामाजिक वर्ग परेशान है। वही सागर से विदेशी दंपति द्वारा धोखाधड़ी की खबर आ रही है। जी हां, सागर में विदेशी दंपति द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां विदेशी दंपति ने शहर की भीतर बाजार में एक दुकान पर धोखाधड़ी की। बता दें कि दंपति डॉलर बदलने की बात कहकर दुकानदार से 20,000 रुपए लेकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक दंपति जिस कार से आए थे उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली का था। वही दुकानदार ने बताया कि कार स्लेटी रंग की है। वही शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है।
साथ ही पुलिस ने कहा है कि फरार विदेशी दंपत्ति को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर छतरपुर से, जहां गुरुवार को व्यापारी और विद्युत विभाग के अधिकारी आमने सामने आ गए। जहां एक तरफ विद्युत विभाग OIC ने विद्युत बिल वसूली के दौरान कार्य में बाधा उत्पन्न कराने भाजपा नेता सुरेंद्र साहू पर सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कराया, तो वहीं व्यापारी और पार्षदों ने चौक बाजार में इसका विरोध कर जाम लगा दिया। व्यापारियों ने SP ऑफिस पहुंचकर ASP को ज्ञापन सौंपा और कहा कि पुलिस द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारी के कहने पर मामला दर्ज किया गया है, इसके पहले निष्पक्ष जांच की जाए। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने बिजली विभाग द्वारा भेजे जा रहे मनमाने बिल का भी विरोध किया। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने विद्युत विभाग ऑफिस से SP कार्यालय तक पैदल रैली निकालकर नारेबाजी की। विद्युत विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि शहर में विद्युत बकायेदारों से अभियान चलाकर वसूली की जा रही है, साथ ही शहर में करीब 6,000 उपभोक्ताओं से 8 करोड़ रुपए बकाया है। वही खबर छतरपुर से, जहां मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर शहर में उग्र आंदोलन किया गया। लोगों ने शहर के मुख्य बाजार में चक्का जाम किया, साथ ही मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारी और शहर के लोग मौजूद थे। मेडिकल संघर्ष समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि हमारे यहाँ की राज्य मंत्री से लेकर अभी तक विधायकों ने इस मामले में ज्ञापन दिया है। साथ ही चक्का जाम की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे SDM रविंद्र चौक से CSP राकेश संतवार की समझाइश के बाद लोगों ने आंदोलन को खत्म कर दिया। वहीं छतरपुर के एडिशनल SP जय राज कुबेर के एक वायरल मैसेज से शहर में सनसनी फैल गई। SP ने सभी पुलिस वालों को एक मैसेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने की बात कही थी। मैसेज में कहा गया था कि शहर में लाल कुर्ता पहने एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है, जिसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद शहर में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। बताया गया कि SP ने ये मैसेज सुस्त पुलिस कर्मियों के लिए वायरल किया था। SP को काफी दिनों से रात में पुलिस कर्मियों के सोने की सूचना मिल रही थी। डेली प्रतिदिन चेकिंग लगाई जा रही है संदिग्धों को तलाश करने के लिए। तो आज एक फोन दिया गया था, मॉक ड्रिल टाइप की थी, उसमें बताया गया था कि नंबर बताया था मोटरसाइकिल का 64 नंबर है और रेड कलर में कोई व्यक्ति जा रहा है, संदिग्ध है और जा रहा हो सकता है। उसमें चेक किया जा रहा है तो दो पॉइंट्स पर फेल हुए हैं और जिन जिन कर्मियों ने लापरवाही की खुला कर। खबर रीवा से, जहां बदमाशों ने एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, रीवा की विंध्य विहार कॉलोनी में देर रात बदमाशों ने तोड़फोड़ की, उसके बाद हवाई फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ितों का कहना है कि घर में गुरुवार की रात करीब 12:30 बजे 3 युवक आए थे, जो घर के बाहर खड़े होकर शब्द कहते रहे। करीब आधे घंटे बाद आरोपी फिर से वापस आए और उन्होंने घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। खिड़की में लगे शीशों को बंदूक के बट से तोड़ दिया और दरवाजे में लात घूंसे मारकर तोड़ने की कोशिश की। वहीं घर के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की और परिजनों को धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। देर रात पीड़ितों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं हालांकि आरोपी अभी मौके से फरार हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं खबर सतना के अमर पाटन से, जहां दो गुटों में जमकर झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए दोनों गुटों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसमें विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर शांति बनाए रखने की अपील की है। खबर रीवा से, जहां हाईवे पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के ट्रक में टकराने से हादसा हो गया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इस हादसे में शहर के जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक भगवती प्रसाद त्रिपाठी की मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और चिकित्सक व ड्राइवर अयोध्या प्रसाद को गाड़ी से बाहर निकालकर उपचार के लिए संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में भेजा, जहां दोनों की मौत हो गई। वहीं चिकित्सक आयुर्वेदिक कॉलेज में पदस्थ है, तो उनकी बेटी BJP से पार्षद है। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट के लिए बने रहिए मध्य प्रदेश पत्रिका के साथ। नमस्कार।